वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस समय यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, तूफान आया हुआ है, बारिश बहुत तेज़ आने वाली है और NEET 2022 का पेपर, इसमें भी बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो 650 प्लस मार्क्स डिज़र्व करते थे, बट या तो उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की या वो 3 घंटे 20 मिनट का वक्त उनके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहा और उनके मार्क्स किसी भी कारणवश 690 आने चाहिए थे। इतने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है और वो 590 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। समवेयर दे आर गेटिंग 570 575, तो बॉर्डर लाइन पे हैं। इधर आप देख रहे हैं 20 लाख 25 लाख रुपए देकर लोगों ने सॉल्वर गैंग से कांटेक्ट किया, और ये सॉल्वर गैंग सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मींस जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो पेपर सॉल्व करके आपको रैंक दिला सकते हैं, ऐसे लोग शामिल हैं उसमें। खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और वास्तव में आपका टीचर आपको जानता है और टीचर कहता है कि आप एक बार और प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। यहाँ से कहना बहुत आसान है, मैं ये वीडियो बनाते समय कई बार मैंने सोचा कि बात करना बहुत आसान है जब हमारे साथ के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और हम उनसे ज़्यादा काबिल होते हैं और हमें सीट भी नहीं मिल रही होती है, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम एक बार फिर से तैयारी करें। लेकिन ये देखिए, वक्त ये कहता है कि वास्तव में आपको नहीं पता है, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो कितने काबिल हैं। उनको किसी ने ज्ञान दिया और बोला कि तुम बहुत काबिल हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो बच्चा लोग, मैं जिनको जानता हूँ, ऐसे सभी बच्चे जिनके मार्क्स 500 से अबव हैं, वो तो हर हालत में एक बार तैयारी करके तो देखो फिर से। और इस बार सिर्फ NCERT की बातें पढ़ना, NCERT की बात को समझना, हाई फाई चीज़ के पीछे मत भागना। इस बार क्या हुआ है, जो भी काबिल बच्चे थे और बहुत हाई फाई करते रहे, आप जानते हैं पेपर आपके टीचर ने बताया होगा कि इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन आप, होता है, आपकी गलती क्या है, बट करते हैं बच्चे और आपके मार्क्स कम रह गए हैं। और जो 550 560 520, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर 590 585, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं मिलना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 500 510 490 460 470 550 ऐसे मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें हिम्मत रखिए, कोई फैसला ऐसा मत लीजिए कि कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, नहीं मत चलो, आप डिज़र्व करते हैं, आप MBBS आपको मिल के रहेगा। और एक साल, मुझे पता है अभी नहीं आप फैसला ले सकते हो, अभी बहुत, इट्स वेरी टफ टफ टाइम, इस टफ टाइम मतलब आपके, मतलब क्या बोलूँ, मतलब आपके पास ना सुनने की दम है ना कहने की दम है, जैसे ही कोई अपना आपसे बात करेगा आपके आंसू निकल आते होंगे, ऐसा चल रहा है। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आपको बेस्ट रैंक, बेस्ट सीट मिलेगी गवर्नमेंट की, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बच्चा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, सच्ची घटना, आज से 4 साल पहले की बात है, मतलब वक्त ज़्यादा ही हो गया होगा। पेरेंट्स आए थे कि इसको कहाँ हम BDS दिला दें या BMS दिला दें, मैंने कहा आप कैसी बात करते हो, ये बच्ची तो डिज़र्व करती है MBBS। मुझे, मेरी मुलाकात 4 साल पहले हुई, मतलब वो MBBS तो उसने बहुत पहले किया, मतलब जब आए वो तो पेरेंट्स मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे कि आपने मेरी बच्ची का करियर बचा लिया, हम तो कहीं ऐसे ही एडमिशन दिलाने जा रहे थे, उससे मैं, हमसे नाराज़ होके चले गए थे, वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं भी एडमिशन दिला रहे हैं,
आप ड्रॉप लीजिए, एक साल तैयारी तो करवाइए, और उस समय नाराज़ होकर चले गए। जब सेलेक्ट हो गई बच्ची तो आए थे, तब की बात बता रहा हूँ, ये 4 साल पुरानी, कि वो मेरे पास जब आए थे तो बच्ची डॉक्टरी में गवर्नमेंट सीट पे, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, 680 मार्क्स पर, इतने मार्क्स उसको मिले जिसको वो किसी भी कॉलेज में भेज देते हैं ऐसे ही। तो बेटा अपने आप पे भरोसा रखिए, डेफिनेटली ये वक्त गुजर जाएगा, और पढ़ाई करते रहिए, आपको बेस्ट रैंक मिलेगी बेस्ट कॉलेज। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।